सत श्री अकाल, मैं कमलपाल सिंह ते लैके हाजरा देश दुनिया दे खबरां ते रुख करदे आं। पहली खबर दा जलंधर दे विच नैशनल हाईवे उत्ते लगे किसानां दे धरने नूं चुक लिया गया ते किसानां ने बीते दिन जो धनोवाल फाटक रेल जाम कर दिता सी उस नूं अज खाली कर दिता गया। किसान जथेबंदियां ने यह फैसला सीएम भगवंत मान दे दफ्तर वल्लों आए सद्दे तों बाद लिया ते सीएमओ वल्लों आए बुलावे दे विच दस्सिया गया सी कि सीएम भगवंत मान ने किसानां नाल गलबात करन लई बैठक सद ली है। चिट्ठी मिलन तों बाद किसानां ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिता। हालांकि किसानों का धरना नैशनल हाईवे के उत्ते चलता रहा ते रेल दीआं पटरियां उत्ते बैठण दे कारण रेलवे विभाग नूं एक दिन दे विच काफ़ी घाटा पै गया। हुण तक करीब 142 ट्रेनां प्रभावित होईआं ते जिन्हां विचों 130 मेल एक्सप्रैस ट्रेनां ने ते 12 लोकल ट्रेनां शामिल सी ते कुल 63 ट्रेनां दे रूट बदले गए ते लुधियाणा, जलंधर ते अमृतसर आउण वालीआं कुल 51 ट्रेनां नूं रद्द कीता गया ते इस तों इलावा लुधियाणा, जलंधर ते अमृतसर लई वी दर्जना ट्रेनां रद्द कर दित्तीआं गईआं ते इह रेल गड्डियां लुधियाणा तों अगे चलणगीआं। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन सूबा बॉडी वालों लए गए फैसले तहत 8 नवंबर तो चल रही कलम छोड़ हड़ताल, कंप्यूटर बंद, ऑनलाइन काम बंद करके की गई हड़ताल के विच हुण 28 नवंबर 2023 तक का वाधा किया गया। सूबा बॉडी के दिशा निर्देशों की पालना हित जिला प्रधान अमरजीत सिंह ते जनरल सकत्तर सुखदेव चंद कंबोज की अगवाई हेठ 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर सूबा कमेटी के फैसले मुताबक भरवीं रोस रैली करके शहर के पंजाब सरकार के खिलाफ रोस मार्च किया जाएगा। उन्हें समूह विभागी जिला प्रधान, जनरल सकत्तर साहबान, समूह मुलाजम और पेंशनर के सांझे फ्रंट, सांझे मुलाजम मंच के भरातरी जथेबंदियों के अहुदेदार साहबानों साथियों समेत भरवीं शमूलियत करने की अपील की है। मुलाजम आगुआ ने कहा कि मुलाजमान की जायज़ के हकी मंगा पूरा न करके मुलाजमान धोखा किया गया। मंगा की पूर्ति न करने के विरोध मुलाजमान एक बार फिर हड़तालों का रुख करना पै रहा है। अमरीका ते कनेडा नूं जोड़न वाले रैनबो ब्रिज के उत्ते एक वाहन दे विच धमाका होने कारण दोवां देशों विचाले आवाजाई ठप हो गई है ते मीडिया रिपोर्टां मुताबक न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स दे नेड़े एक वाहन धमाके तो बाद पुल का एक हिस्सा टुट गया ते जिस कारण पुल नूं बंद करना पिया। यह धमाका एक कार दे विच होया ते दस्सिया यह भी गया कि उस समय गड्डी दे विच विस्फोटक सी अते कार विच सवार दो लोगों की मौत हो गई है। नियाग्रा फॉल्स मेयर के दफ्तर के अनुसार जिस गड्डी विच धमाका होया वह कनेडा तो अमरीका आ रही थी। इस घटना तो बाद नियाग्रा फॉल्स उत्ते दोवां देशों नूं जोड़न वाले सारे पुल बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल FBI इस मामले की अत्तवादी हमले के एंगल तो जांच कर रही है ते इस घटना कारण पश्चिमी न्यूयॉर्क के अमरीका ते कनेडा विचाले सारे 4 अंतरराष्ट्रीय सरहदी लांघे भी बंद कर दिए गए हैं ते रेनबो ब्रिज तो इलावा इन्हां विच लेविस्टन, वर्पुल और पीस ब्रिज भी शामिल ने। संगरूर जिले की अमरगढ़ सीट तो आप विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन बजर PGI तो छुट्टी मिल गई है तो उन्होंने PGI के कार्डियक सेंटर के दाखिल करवाया गया। डिस्चार्ज होने तो बाद ED ने उन्होंने 4 दिन के रिमांड पर ले लिया तो मोहाली की विशेष अदालत ने इस संबंधी पहला ही हुक्म जारी कर दिए थे। हुण वो 4 दिन ED की पुछगिछ का सामना करेंगे तो विधायक गज्जन बजर ED ने 40 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। नाभा जेल में उन्होंने ब्लड प्रैशर से शुगर की दिक्कत थी तो पैर तिलक जाने कारण रजिंद्रा हस्पताल टियाला दाखिल करवाया गया। अदालत ने हस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट वालों उन्हों की मेडिकल रिपोर्ट मंगी थी तो इस तो बाद 24 घंटे के अंदर PGI चंडीगढ़ विखे दाखिल करवाया गया तो उन्होंने हालत सुधार होने तो बाद 4 दिन के रिमांड के हुक्म जारी किए गए हैं। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बीते दिन PM नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित G20 वर्चुअल समिट के शामिल हुए हैं। इस दौरान ट्रूडो ने अमरीकी कैनेडियन दोहरी नागरिकता वाले वक्वादी समूह सिखवा जस्टिस या SFJ के जनरल कौंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान को खतरे के मामले में सीधे तौर पर संबोधन नहीं किया पर उन्होंने दफ्तर ने कहा कि उन्होंने समर्थन का मुद्दा चुकया। बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित वर्चुअल G20 सम्मेलन में शामिल होने उत्ते ट्रूडो ने कानून का राज का मुद्दा चुकया। ट्रूडो ने कहा कि असी गर्मियों के मध्य तो अमरीका समेत अपने सहयोगियों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसने अगे भी आख्या कि स्पष्ट तौर पर असी भारत नाल उसारू तरीके जुड़ना जारी रखांगे अते असी उम्मीद करते हैं कि भारत इन असल चिंतावां नूं गंभीरता नाल लैंदा रहेगा। राष्ट्रीय आफत रिस्पोंस फोर्स यानी कि NDRF ने शुक्रवार को अभ्यास किया तो जिस विच देखा गया कि वह निर्माण अधीन शिलक्यारा सुरंग के फसे 41 मजदूरों को बचाने तैयार किए जा रहे रस्ते अपने पहिए वाले स्ट्रैचर किवें लैके जाएगी। अभ्यास दौरान NDRF का एक कर्मचारी रस्सी नाल बन्ने पहिए वाले एक स्ट्रैचर नूं धक्कदे होए मार्ग तो लंघिया ते दूजे छोर ते पहुंचण तो बाद उसनूं वापस खिंच लिया गया। पिछले 12 दिनों तो अंदर फसे मजदूरों नूं बचाउण लई सुरंग च मलबे दरमियान 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइप की वरतों करके एक रस्ता बनाया जा रहा है।
एनडीआरएफ का एक कर्मचारी तैयार किए गए रास्ते में गया तो सुरंग ड्रिलिंग मलबे विचाले पाइपों पाउण का काम अजे तक मुड़ शुरू नहीं किया गया। बचाव कर्मचारियों दूजे पास फसे मजदूरों तक पहुंचने लिए मलबे दरमियान 12 से 14 मीटर होर ड्रिलिंग करनी पवेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल वालों बिना किसी कार्रवाई के बिलों को अणमिथे समय लिए पेंडिंग रखने के मामले उत्ते आख्या है कि राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई तो अणमिथे समय लिए पेंडिंग बिलों को नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज के एक अणचुने मुखी के वजो राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं। संविधान की धारा 200 अनुसार राज्यपाल को 3 विकल्प ने बिल उत्ते सहमति देना, सहमति रोकना और उसनु राष्ट्रपति के विचार हेतु राखवा करना। बेंच ने पंजाब च राज्यपाल वालों बिल नु लंबे समय तो पेंडिंग रखने के मामले च वीरवार जारी अपने 10 नवंबर के आदेश च कहा कि शक्ति का उपयोग राज विधान मंडलों के वलों कानून बनाने की आम प्रक्रिया असफल करने लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पेंडिंग रखने यानी कि शासन के संसदी पैटर्न के उत्ते आधारित संविधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के उल्ट होगी। ऋषि सुनक लई हुण चोणां दौरान किते प्रवासियों की गिणती को घटाउण अते सरहदां नूं सुरक्षित करन दे वादे नूं पूरा किते बगैर अगलिया चोणां जितना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय मूल दे ऋषि सुनक दी इंग्लैंड दे प्रधानमंत्री बनन तों बाद ओपीनियन पोल दे विच उसदी कंजरवेटिव पार्टी विरोधी लिबर पार्टी तों 20% वोटां नाल पिछड़ रही है ते माहिरां मुताबक सुनक दी पार्टी चोणां हार भी सकती है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन दे सुप्रीम कोर्ट वल्लों सुनक नूं करारा झटका मिलिया सी जदों सुप्रीम कोर्ट ने सुनक वल्लों शरणार्थियों रवांडा भेजने की नीति गैर कानूनी दसदिया रद्द कर दिता सी। इस कारण सुनक के सहयोगियों ने चोणों समय तो पहला कराने की सलाह दी थी। माहिरां मुताबक ब्रिटेन च प्रवासियों का मसला चोणों का एक वड्डा मुद्दा है। इस मुद्दे के कारण कंजरवेटिव पार्टी साल 2019 वड्डे बहुमत नाल जीती सी। इस मुद्दे के उत्ते लेबर पार्टी के भी कुछ मैंबर ने कंजरवेटिव पार्टी का समर्थन किया। हुण चोण कराने लई प्रवासियों का मुद्दा महंगाई और सेहत सेवावां तो भी वड्डा मुद्दा बन गया। देश दुनिया की खबर हुण कमलपाल सिंह दियो इजाजत। सत श्री अकाल, धन्यवाद।